ला 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 ला। हाँ, ये अवश्य कान्हा की शरारत है। नहीं, कान्हा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, राधा तुम्हारी चोटी किसने काटी? क्या? हाँ, मेरी चोटी किसने काट ली? हाँ? क्या हुआ राधा? कान्हा, तुमने राधा की चोटी क्यों काटी? क्या? राधा की चोटी? मैं क्यों काटूंगा? मुझे तो राधा की लंबी चोटी अत्यंत सुंदर लगती है। अब मेरी लंबी चोटी नहीं रही कान्हा। राधा रुको, रोना मत। अरे मेरी बात तो सुनो। मैं उस चोटी चोर को उसके किए का दंड दूंगा और राधा के चेहरे की मुस्कान को अवश्य वापस लाऊंगा। सरस्वती, ओ सरस्वती। केशव को सवार रही हूँ, मैं अभी आई। ओ? मेरे केश! अरे मेरे केश किसने काट लिए? अरे मेरे केश! अरे मेरे केश! अरे मेरे केश! इसको क्या हो गया? चोटी चंद्रिका आ गई है। तुम्हारी चोटियों के साथ साथ तुम्हारे प्राण भी हरने। नंदबाबा, केश चोर ने गांव में दहशत मचा रखी है। हाँ, केश चोर? अब तो घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। ये अवश्य किसी की बुरी दृष्टि का दुष्प्रभाव है। किंतु ये केश चोर है कौन? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। चोटी चंद्रिका। चोटी चंद्रिका? चोटी चंद्रिका की समस्त शक्तियाँ और उसके जीवन का आधार उसकी चोटी है। वो हर 20 वर्ष बाद 2 दिन के लिए आती है। केशों को चुराकर वो लोगों का यौवन और उनकी शक्ति छीन लेती है। इतना ही नहीं, उसका शिकार बना व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है और शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या आप केशों के साथ साथ प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी? इससे छुटकारा पाने का कोई तो मार्ग होगा। चोटी चंद्रिका की समस्त शक्तियाँ और उसके जीवन का आधार उसकी चोटी है। नंद गाँव वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गांव में कड़ा पहरा लगा दो। कृष्णा, मेरे केश भी चोरी हो गए। अब मैं वृद्ध हो जाऊंगा, दादाजी बन जाऊंगा। शांत हो जाओ मधु, शांत हो जाओ। केश चोर अवश्य ही यही कही है। हाँ? माखनलाल काका की टोकरी में इतने सारे केश, परंतु इनका रंग तो भिन्न प्रतीत होता है। मित्रों, चलो देखते हैं। कान्हा, यहाँ पे तो केशों का ढेर लगा है। कान्हा, बलराम, फिर से माखन चोरी करने की योजना बना रहे हो? नहीं बाबा, चोरी की योजना तो माखनलाल काका बना रहे हैं, खुद ही देख लीजिए। केशों का ढेर? शीघ्र बाहर आओ माखनलाल। तुमने नंद गाँव वासियों के केश चुराकर उन्हें अपमानित किया है। नहीं नंद बाबा, ये केश नहीं, मेरी नई मिठाई है, बाल भोग। आप चक्कर देखो। हाँ, केश खा गए। नंद बाबा, उस चोटी चोर ने हम पहरेदारों के भी केश चोरी कर लिए। हे भगवान, ये कैसी विपदा है। क्या? आप चिंता मत करो बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे क्या से क्या बना दिया कृष्णा। यही नकली केश असली चोर को बिल से बाहर निकालेंगे। छोटी चंद्रिका, हाँ, मैं लोकप्रिय हो रही हूँ। तुम्हारी चोटी बाकियों से अधिक आकर्षक है, लाओ दे दो मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हट हट, निकल नहीं रहा। ये केश तो नहीं जान पड़ते, किंतु ये है क्या? है ना मधुर माखनलाल काका की नई मिठाई, और खाओगी? छल, मेरे साथ छल। यदि अपनी भलाई चाहती हो तो सबके केश वापस कर दो और चली जाओ नंद गाँव से। ये तुम्हारे तुच्छ खेल मुझे नहीं रोक सकते उदंड बालक। तुम्हारे इन घने केशों का भी भोग लगाऊंगी मैं। बच्चे, अभी तुम निशाने के कच्चे हो। अब अपनी मृत्यु को गले लगाने हेतु तत्पर रहो बालक। मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ चोटी चंद्रिका। लोगों के केशों की चोरी करने में बड़ा मजा आता है ना? अब तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगी। चोटी चंद्रिका को बांधना इतना आसान नहीं बालक। आज नंद गाँव से हर एक केश ले जाएगी ये चोटी चंद्रिका। हाँ? मुझे चोटी चंद्रिका को शीघ्र ही रोकना होगा। इतना दुस्साहस, चोटी चंद्रिका से लड़ोगे? यदि लड़ूंगा नहीं तो तुम्हें रोकूंगा कैसे? हाँ तो बालक, अपने केश खोने के लिए तैयार हो जाओ। चोटी चंद्रिका की समस्त शक्तियाँ और उसके जीवन का आधार उसकी चोटी है। जो बोया था अब उसे काटने का समय आ गया है चोटी चंद्रिका। तुम इतनी आसानी से मुझे शक्तिहीन नहीं कर सकते बालक। बिना चोटियों के जीने की आदत डाल लो चोटी चंद्रिका। क्षमा तो मैं उस वृक्ष के तले दूंगा। आओ। अरे कहाँ जा रहे हो कान्हा?